Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग की क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी लैंग्वेज की क्लास, और आज हम अपने नए चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे जो कि है पार्ट 7। इससे पहले हम लोगों ने अपना पार्ट 6 कंप्लीट कर लिया था, हमारे एग्जाम भी अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं और आप लोगों ने पेपर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने नए पार्ट की, और आज हम पार्ट कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट 7, जो है एक और अनेक। तो एक और अनेक क्या होते हैं पता है ना? जब एक चीज के बारे में बात करते हैं तो क्या होती है? एक। और जो एक से अधिक होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अनेक। जैसे ये क्या है मेरे पास? एक मार्कर है, तो क्या बोलेंगे? एक। और एक से अधिक है यानी तीन मार्कर हो, तो क्या हो गया? ये अनेक। ये क्या है? एक। और ये अनेक, क्योंकि ये एक से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा? अनेक। तो आज हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? एक और अनेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 41 निकाल लीजिए सारे बच्चे, पेज नंबर 41। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, प्यार छोटी सी कविता सी दी गई है, उसके द्वारा हम इसको समझेंगे। चंदा एक, सूरज एक, तारे अनेक। यानी चंदा एक होता है चांद, सूरज भी एक होता है, लेकिन तारे अनेक होते हैं। एक तितली अनेक तितलियां, एक एक करके हो गई अब अनेक तितलियां। एक चिड़िया दो चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी अनेक चिड़िया। क्या है? चंदा एक, सूरज एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियां, एक एक करके हो गई अब अनेक तितलियां। एक चिड़िया दो चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी अनेक चिड़िया। तो इसमें क्या है, किसके बारे में बात की गई है? इसमें एक और अनेक, तारे अनेक, चिड़िया एक भी होती है, और जब एक से दो तीन हो जाएंगे तो हमें क्या बोलेंगे? अनेक। उसी तरह एक तितली अनेक तितलियां, है ना। चलिए अब हम लोग बोर्ड की तरफ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, देखिए क्या बनाया है? एक। ये कितना चूहा है, कितने चूहा दिख रहा है? एक। क्या लिखेंगे? एक चूहा, क्योंकि हमको एक चूहा दिख रहा है ना। ठीक। अब यहाँ पे क्या है? दो चूहे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक से अधिक है ना, तो दो चूहे, दो चूहे क्या हो जाएंगे? अनेक। और दूसरा, जब हम इसमें लिखते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा चूहा मतलब एक, चूहे यानी बहुत सारे चूहे यानी एक से अधिक, तो हमारा क्या बन गया? मात्रा क्या बन गई? चूहे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है एक पतंग, और ये कितनी पतंग है? तीन पतंग, तीन पतंगे, तो क्या हो जाएगा? ये तीन पतंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां देखते हैं अपना, ये क्या है? एक गुब्बारा, गुब्बारा बना है, कितना दिख रहा है हमको? एक, तो क्या लिखेंगे? एक। और हमें यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? एक दो तीन चार, यानी एक से अधिक दिख रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? चार गुब्बारे। इसको बोलेंगे गुब्बारा, और यहाँ एक से अधिक है तो क्या हो जाएंगे? गुब्बारे। ठीक, आया समझ में? ये क्या है? एक। जब एक की बात कर रहे होते हैं तो उसको हम एक बोलते हैं, जब गिनती में एक होता है तो उसको हम एक बोलते हैं, जब गिनती में एक से अधिक होते हैं तो उनको हम बोलते हैं अनेक। क्या बोलते हैं? अनेक। ये क्या है? एक एक है, तो हमने एक लिखा, यहाँ पे एक से ज्यादा है, गिनती में ज्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? अनेक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब और है कि एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। साथ ही हम इन्हें क्या कहते हैं? एक या अनेक का जो हमें ज्ञान कराते हैं उनको हम वचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम वचन भी कहते हैं, जो एक से अधिक का ज्ञान कराते हैं, एक या उससे अधिक चीजें कहते हैं। क्या है कि एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। यहाँ पे आपका पेज नंबर 43 निकाल लीजिए बच्चों, और यहाँ पे देखिए दिया है एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो एक या एक से अधिक का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं, यानी उनको हम क्या बोलते हैं दूसरे अर्थ में? वचन भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए देख आगे का वर्क हम देखते हैं। दिया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक या अनेक यानी एक चीज की बात करते हैं और एक से अधिक की बात, जब एक की बात करते हैं तो हम एक
और एक से अधिक की बात बोल देते हैं, एक से अधिक चीज होती है हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं, बहुवचन भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये समझेंगे एक और अनेक। जब एक चीज की बात है तो वो एक है, और जब एक से अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनेक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका वर्क हम देख लेते हैं। पेज नंबर 43 पे देखिए, यहाँ पे दिया है फूल में से एक तथा अनेक शब्द छांट कर लिखे, यानी फूल बना है इसमें एक और अनेक शब्द मिक्स करके दिए हैं आपको। जो एक है उसको एक में लिखेंगे, जो अनेक वाले हैं वो अनेक में लिखेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे इसको, हम उनकी मात्राओं को ध्यान से देखेंगे। मात्राएं जब ध्यान से देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि ये एक की बात कर रहा है या अनेक की बात कर रहा है, क्योंकि मात्राओं में भी अंतर आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखा है, चूहा। तो अब बताइए चूहा से क्या पता चल रहा है, एक चूहे के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारे। देखिए अभी मैंने क्या, चूहे, चूहा, चूहा होगा तो एक होगा। जब चूहे होगा, जब उसकी मात्रा वहां पे एक की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, चूहे। तो वो कितने सारे होंगे, चूहे से सुनने से ही पता चल रहा है कि तो बहुत सारे चूहों की बात हो रही ना, तो इसमें से एक क्या आ जाएगा, चूहा। ठीक, और दूसरा क्या है, घोड़ा। घोड़ा भी हमारा क्या, घोड़ा एक है तो हम क्या लिखेंगे, घोड़ा एक में। उसके बाद है घड़ी, घड़ी क्या है, एक है, घड़ियां नहीं है, घड़ी। अगर ये बहुत सारी होती तो क्या बोलते हैं इसको, घड़ियां बोलते हैं ना, लेकिन एक है तो हम क्या बोलेंगे, किसमें लिखेंगे इसको, घड़ी। अब अनेक में कौन कौन से शब्द लिखेंगे, अब देखिए लिखा है किताबें, इसमें से क्या है, किताबें, किताबें, किताब नहीं, किताब होता तो हम समझ जाते कि एक किताब है, लेकिन यहाँ पे एक ही मात्रा लगी, यानी किताबें, यानी बहुत सारी किताबें, तो इसमें आ जाएगा अनेक। उसके बाद है लड़के, लड़का नहीं बोला है, बोला है लड़के, यानी बहुत सारे लड़के, इसमें आ जाएगा अनेक। उसके बाद है पत्ते, पत्ते वाले शब्द भी हम अनेक में लिखेंगे, पत्ता नहीं बोला, पत्ता होता तो एक पत्ता होता, अभी बोला पत्ते, यानी बहुत सारे पत्ते, तो हम किसमें लिखेंगे इसको, अनेक में। ये हमारा वर्क है, ये एक और अनेक वाला, इसको आप लोग कॉपी में भी कर लीजिएगा, और मैं जो कुछ जो आपको प्रश्न उत्तर दूंगी उनको भी आप कॉपी में करिएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है पेज नंबर 44 निकालिए, लिखिए एक या अनेक। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन अभी आप लोग कर लीजिए। देखिए जैसे दिया है एक मक्खी दिख रही है, बहुत सारी मक्खियां दिख रही हैं, बहुत सारी दिख रही ना, तो क्या हो जाएगा वहां पे, मक्खियां, क्या लिखेंगे, मक्खियां, क्योंकि एक मक्खी नहीं है, बहुत सारी मक्खियां हैं। ठीक, अब दूसरे में है ऊंट, एक ही दिख रहा है उसको तो ऊंट लिखेंगे। अब क्या है, चाबी, चाबी भी एक दिख रही है, तो चाबियां बोलते, लेकिन यहाँ पे एक दिख रही तो क्या लिखेंगे, चाबी। उसके बाद कुर्सी, एक कुर्सी नहीं, यहाँ तो तीन कुर्सियां, यानी अनेक हो गई, तो लिखेंगे कुर्सियां। और एक चीज और देखिएगा, हमारे जब हम एक से अनेक शब्द बनाते हैं हमारी मात्राओं में भी अंतर आता है, अगर बड़ी की मात्रा लगी है तो वो अनेक में छोटी की मात्रा लग जाती है। आगे बढ़ते हैं फूल, ठीक, उसके बाद है क्या है, घोड़ा, एक दिख रहा हमारा घोड़ा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, घोड़ा, क्या लिखेंगे। ठीक, ये हो गया आपका वर्क, कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने आप इस वर्क को कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जैसे दिया है अपने शरीर के अंगों को गिनकर बताइए कौन कौन से अंग एक है या कौन से अनेक है, तो बताइए जरा कौन कौन से हैं। हमारे हाथ कितने हैं, उंगलियां एक है, नहीं बहुत सारी है ना, तो अब आप उनको क्या करोगे, अब फटाफट अपने शरीर के अंगों को देखना शुरू करिए, देखिए कौन से एक है और कौन से बहुत सारे हैं। ओके, तो आज का